अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर ऑफ क्लास 7. डेट इज 1 सितंबर 2020 ट्यूजडे, मैथ्स. एंड टुडे चैप्टर वी विल गोइंग टू स्टार्ट एंड आल्सो फिनिश दिस चैप्टर, चैप्टर 15. वी विल डू फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन एक्सरसाइज, देन एमसीक्यूज. इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इट इज ऑन पेज 185 to 195. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चैप्टर का नाम है हमारा कांग्रेस एंड सिमिलैरिटी. कांग्रेंट एंड सिमिलैरिटी क्या होती है, कांग्रेंसी क्या होती है, यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 185 पे कांग्रेंसी क्या होती है और सिमिलैरिटीज क्या होती है, वो थोड़ा सा फ़र्क होता है. यहाँ पर डेफिनेशन है, कहते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ द सेम शेप एंड साइज आर कांग्रेंट. यानी जिसका साइज भी, शेप भी और साइज भी दोनों ही सेम हो, तो वो दोनों फिगर जो अलग अलग बनी होंगी वो कांग्रेंट होंगी. ठीक है, यानी उसके लिए ज़रूरी है कि शेप भी सेम हो और उसका साइज भी सेम हो, उसकी मेजरमेंट भी सेम हो, तो दोनों शेप्स जो हैं वो कांग्रेंट होंगी. तो ये देख ले, कांग्रेंट फिगर नीचे दी हुई है. ट्रायंगल्स का ज़्यादातर यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ट्रायंगल कांग्रेंट कैसे होती है. ट्रायंगल में ज़रूरी है कि आपके पास एंगल्स भी सेम होने चाहिए और साइड्स भी सेम होने चाहिए. अब इसके अलावा यहाँ सिमिलैरिटीज़ का कहा हुआ है, ये देख लें सिमिलैरिटीज़ है और सामने स्माइलीज बनी हुई. स्माइलीज़ का मतलब है कि ये सेम स्माइलीज़ हैं बट साइज़ आर डिफरेंट. तो सिमिलैरिटी में ज़रूरी नहीं है कि साइज़ भी वही हो, लेकिन चीज़ बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, लुक सेम होनी चाहिए और उनकी जो रेशो है वो सेम होनी चाहिए. अगर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें तो लिखी हुई, टू शेप्स आर सिमिलर मीन दैट ऑल द कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो. यानी उनकी रेशो सेम होनी चाहिए, चाहे वो अगर एक की रेशो है कटिंग करने के बाद 1:2 और दूसरे के भी. यानी अगर मैं यूं बनाती हूँ एक ट्रायंगल और इसकी साइड है 2 और इसकी साइड है 4 और एक दूसरी ट्रायंगल बनाती हूँ जो कि साइज़ में बड़ी है और इसके इसके मैं 1:2 बना लेती हूँ और इसकी 2:4 बना लेती हूँ, तो इसकी साइड्स की रेशो क्या होगी, 1:2 और इसकी साइड की भी रेशो 1:2 होगी कटिंग करने के बाद. बेशक कटिंग होती है तो कटिंग कर लो, फिर बाद में जो रेशो फाइनली शक्ल में आती है दैट इज़ रेशो. तो शेप तो दोनों की सेम है, एंगल्स तो सेम होने ही चाहिए, तीनों एंगल सेम होने चाहिए, लेकिन उनकी जो साइड्स की रेशो है ना वो सेम होनी चाहिए. तो ऐसी फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं और इसको सिमिलैरिटी बोलते हैं. अगर हम कांग्रेंट ट्राइंगल की तरफ आएँ तो इसके 4 हमारे पास जो है कंडीशंस हैं. कंडीशन इस तरह है कि 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आपके पास हो तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रायंगल कांग्रेंट है. ये देख लें आप कि अगर आपके पास ये 2 गिवन ट्रायंगल है, ट्रायंगल है उसमें से एक साइड इस साइड के इक्वल है. ये देखो 3 लाइनें हैं, इस पे भी 3 लाइनें हैं, यानी दोनों साइड सेम है. ये ब्लैक कलर की, ये भी ब्लैक कलर की. इस पे 1 लाइन है, इस पे 1 लाइन है, यानी ये वाली साइड इस साइड के सेम है. ये 2 लाइन है, ये भी 2 लाइन है, यानी ये वाली साइड इस साइड के सेम है. ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के और ये वाली साइड इस साइड के सेम है. यानी साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. कंडीशन कौन सी लगी, साइड 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 साइड, एक साइड के, दूसरी साइड दूसरी साइड के, तीसरी साइड तीसरी साइड के. तो ये कंडीशन आती है हमारे पास. यानी तीनों साइड अगर सेम होगी आपके पास तो कांग्रेंट होंगी ट्रायंगल. सेकेंड कंडीशन देखें, अगर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ रही है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ रही है और दोनों साइड जो सेम सेम है, ये साइड इसके और ये साइड इसके, उनके दरमियान का जो एंगल होगा वो भी दोनों का सेम होगा, तो हमारे पास ट्रायंगल कांग्रेंट होगी. यानी एक साइड, फिर एंगल और फिर साइड, यूं करके कंडीशन बने तो आपके ट्रायंगल कांग्रेंट होंगे. अब ये देखें हमारे पास एक और है कंडीशन कि अगर आपके पास ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ रही है, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ रहा है, जैसे ये है, चाहे वो यूं हो, तो एंगल साइड एंगल चाहे वो यूं हो कि 2 एंगल और एक साइड, वो यूं भी हो सकते हैं. यानी ये वाला एंगल इसके
और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो एंगल एंगल साइड यूं भी कंडीशन बन सकती है। तो ये वाली भी हमारे पास फिर ट्राइंगल कांग्रेंट होगी। और अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक एक एंगल तो दोनों का बराबर हो गया, लेकिन जो राइट एंगल के साथ में साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, वो और दूसरे के ट्राइंगल के बराबर हो, और ट्राइंगल के जो सामने 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, दोनों हाइपोटेन्यूज सेम हो। अगर हाइपोटेन्यूज सेम है, एंगल सेम है और एक साइड सेम है, तो भी ट्राइंगल हमारे पास कांग्रेंट होगी। तो इसको हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो ये चार कंडीशन अगर होती है, किसी भी इनमें से कोई एक होती है कंडीशन, तो हमारे पास ट्राइंगल कांग्रेंट होगी। ये देख लें, साथ में प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, इनका प्रूफ दिया हुआ है। तो मैंने आपको बता तो दिया है कि किस तरह कोई ट्रायंगल कांग्रेंट होगी, ये उसकी एग्जांपल दी हुई है साथ में, देख लीजिएगा इसको। हम आते हैं डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे आते हैं और साथ साथ हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। पहले क्वेश्चन है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स, कहते हैं टू फिगर विच द सेम विद द सेम शेप एंड साइज आर, कहते हैं टू फिगर विद द सेम शेप एंड साइज, उसकी शेप और साइज दोनों अगर सेम हैं तो क्या होंगी कांग्रेंट। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप फुल लिखिएगा, तो उसके आगे आप लिखोगे कांग्रेंट। एट लीस्ट वन ऑफ द डैश प्रॉपर्टी फॉर द ट्राइंगल टू बी कांग्रेंट हैज टू बी ट्रू, यानी एक प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए। आउट ऑफ कितनी प्रॉपर्टीज, फोर प्रॉपर्टीज में से, फोर प्रॉपर्टीज़ में एक भी ट्रू है तो वो हमारे पास ट्रायंगल हमारी कांग्रेंट होगी। इफ़ टू शेप्स हैव इक्वल एंगल्स, इफ़ टू शेप्स हैव इक्वल एंगल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, देन द दीज शेप्स आर सिमिलर, सिमिलर पूरा का पूरा लिखिएगा सिमिलर, ठीक है, यानी शेप सेम हो, एंगल सेम हो दोनों शेप्स की, और कोरिस्पोंडिंग साइड्स के जो रेशो है वो सेम हो, तो वो जो शेप होगी वो सिमिलर होगी। टू ट्राइंगल विद ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल आर कॉल क्या कांग्रेंट, यानी टू ट्राइंगल तीनों साइड सेम है तो उसको हम क्या कहेंगे कांग्रेंट कहेंगे। टू ट्राइंगल कैन नॉट बी डैश इफ देयर एंगल एंड साइड्स आर इक्वल, कैन नॉट बी सिमिलर इफ देयर एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, एंगल भी और साइड्स भी इक्वल हो तो वो सिमिलर नहीं होंगे। सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, एनी टू ट्राइंगल कैन बी कांग्रेंट इफ ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल, ये तो कंडीशन थी नहीं कि ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल, वो इस वजह से कि अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि वो 60-60-60 के होंगे, तो अगर कोई इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं तो वो 60-60 के होते हैं, और अगर बड़ी भी हो और इक्विलेटर हो साइड सेम हो तो भी 60-60-60 ही बनता है, लेकिन दोनों के फिर साइज का फ़र्क आ जाता है, इसलिए वो कांग्रेंट नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेंट में ये कंडीशन नहीं दी हुई कि एंगल 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 ऑल इफ़ ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर हर एंगल इक्वल होगा तो वो कांग्रेंट नहीं होगा, ये फॉल्स है। उन्होंने कहा एनी टू ट्राइंगल कैन बी कैन नॉट बी, इन्होंने कैन बी कहा है, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। इफ अ ट्राइंगल इज इनलार्ज ट्वाइस इट्स साइज, यानी उसको बड़ा कर दिया जाए ट्वाइस उसके साइज से, द एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल विल बी चेंज, जाहिर है पहले वो इन्ना सा था, वो ट्वाइस बड़ा सारा कर दिया तो एरिया भी चेंज होगा, तो दिस इज ट्रू। इफ टू साइड्स एंड वन ऑफ द नॉन इंक्लूडिंग एंगल आर इक्वल देन द टू ट्राइंगल विल बी कांग्रेंट, नहीं ये कंडीशन नहीं है भाई, दो साइड और उसके इंक्लूडिंग ट्राइंगल के जो एंगल होगा वो अगर सेम हो तब वो कांग्रेंट होगा, तो दिस इज फॉल्स। ऑल साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल आर इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशो, हाँ जी अगर सेम रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज करें साइड्स को लेंथ को तो हो सकता है, तो दिस इज ट्रू। टू ट्राइंगल्स कैन बी कांग्रेंट
एंड सिमिलर टू ईच अदर. दो ट्राइंगल कांग्रेंट और सिमिलर टू ईच अदर हो सकती हैं एट अ टाइम? नो. या तो वो सिमिलर होंगी या कांग्रेंट होंगी. तो दिस इज फॉल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कांग्रेंट. यानी वो कह रहे हैं कि वो कांग्रेंट हैं, लेकिन राइट द कोरिस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल. अगर वो कांग्रेंट है तो एंगल ए की कोरिस्पोंडिंग एंगल बताओ कि कौन सा होगा. ये है ए बी, ए बी सी और ये है पी क्यू आर. इस पी क्यू आर को अगर मैं यूं करके सीधा कर दूं, यानी पी क्यू आर कर दूं यूं, यानी ये जो साइड्स हैं सेम वाली वो उनको मैं ऊपर कर दूं ताकि इनकी शेप ऐसी बन जाए, तो एंगल ए की कोरिस्पोंडिंग एंगल ए अगर ये है तो उसकी कोरिस्पोंडिंग कौन सा एंगल बनेगा? एंगल क्यू. ठीक है, और ए बी के कोरिस्पोंडिंग कौन सी साइड बनेगी? अगर ये ए बी है तो पी आर, क्यू आर, ये वाली क्यू एंड आर. बी, एंगल बी जो है, ये है एंगल बी, इसके कोरिस्पोंडिंग कौन सा होगा? आर. और बी सी, बी सी ये है तो आर पी, उसी के साथ वाले. ठीक है, एंगल सी, एंगल सी है मेरे पास ये वाला, तो इधर है एंगल पी. और सी ए, सी ए ये है तो इसकी ये है. ये मैंने इसको यूं करके रख के देखा है तब मुझे जो है ना, वैसे तो आपको यूं भी समझ आना चाहिए, वैसे मैंने उसको यूं करके बना के देखा है तो क्लियर ज़्यादा हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ट्राइंगल आर कांग्रेंट. कौन से वाले कांग्रेंट है? स्टेट द केस ऑफ कांग्रेंसी इफ कांग्रेंट. हमने वो केस बताना है कि कौन सी कंडीशन लगी है इनको कि ये कांग्रेंट है. फर्स्ट वाले को देखें, अगर ये वाली साइड इस साइड के कांग्रेंट है और ये वाली साइड इस साइड के कांग्रेंट है और ये साइड इस साइड के कांग्रेंट है, तो दोनों तो कांग्रेंट हुई, तो इसको कौन सी लगी कंडीशन? साइड, साइड और साइड. ठीक है, 2 पे आ जाएं. ये वाला एंगल इस एंगल के, ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के, तो इसको कौन सा लगा? साइड एंगल साइड. अगर हम यहाँ वाला और ये वाला होता ना दोनों का सेम सेम, तो मैं इसको हाइपोटेन्यूज और राइट एंगल वाला लगाती. अब 3 पे आ जाएं, ये वाली साइड इस साइड के और ये वाली साइड इस साइड के, लेकिन जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के कांग्रेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है. दोनों इक्वल साइड्स के दरमियान का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है और साइड वाला है, तो इसलिए ये इस पर ये कांग्रेंट नहीं है, इस पर कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी. 4 पे आ जाए, ये एंगल इस एंगल के, ये हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के और एक साइड के, तुम्हारे पास आ गया राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ये कंडीशन लग गई. 5 पे आ जाए, कहते हैं कि ये वाला एंगल जो है ना इसके है और ये वाली साइड, यानी दो जो इक्वल है, अगर मैं इसको घुमाऊँ इस वाले एक्स वाई जी वाले को, तो ये मैं यूं करके घुमा लेती हूँ, इसको यूं ले आती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा इस वाली चीज़ को मैंने इधर लेकर आनी है. अगर मैं वाई को इधर ले आती हूँ तो एक्स इधर जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, तो वाई यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया, जेड यहाँ आ गया, और एक्स और वाई और एक्स के दरमियान में साइड और वाई का जो एंगल है वो डबल है, एक्स का एंगल सिंगल है. ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों है, तो पी किसके इक्वल आ रहा है? इसके, और आर इसके, और इनके दोनों के दरमियान में जो साइड है वो सेम है, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. तो ये सिर्फ 3 वाला जो है ना आपके पास कांग्रेंट नहीं था, बाकी सारे कांग्रेंट है और कंडीशन भी हमने लिख दी है पांचों के. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, कहते हैं फाइंड द अननोन एंगल एंड साइड मार्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल. ये कांग्रेंट हैं लेकिन अननोन बताने हैं हमने. अब देखें, सी जेड के इक्वल है, बी वाई के इक्वल है और ए एक्स के इक्वल है. तो ए बी के दरमियान में 8 है, यहाँ एक्स वाई के दरमियान में 8 है, वाई जेड के दरमियान में 2 है, तो बी सी के दरमियान में 2 है, तो
तो z और x के दरमियान में यहाँ 6 है और यहाँ मिसिंग है, तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। और सेकंड पे आए तो ये 5 है, ये 25 है, तो ये क्या होगा, 25 होगा क्योंकि ये 3.5। अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो ये देखो ये टेढ़ा हुआ हुआ है, इसको मैं सीधा करके लिखूँ तो ये है हमारे पास, और ये टॉप पे जो है ना 45 है, तो इसका मतलब है ये टॉप है तो ये 45 होगा, ए विल बी 45 डिग्री। अब इसको देख लेते हैं हम कि अगर हमने किया, इसमें से एक्स भी मिसिंग है वाई भी मिसिंग है, पहले हम इसी में से ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये जो दो सिमिलर साइड थी ये वाली और ये वाली, उनके दरमियान में 40 है, तो यहाँ पर 40 आ गया। अब ये एक 60 है एक 40 है, दोनों मिलके 100 हो गए, तीनों मिलके क्या होते हैं 180 होता है, 180 में से 100 निकालो तो बाकी क्या वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 80। तो अगर वाई की वैल्यू 80 है तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 40, और ये 80 है तो यहाँ पर भी 80 होगा, तो 40 80 कितना बना, ये बन गया 120 यानी 180 में से 120 निकाले तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी 60 आ जाएगी। ये करके देखिएगा, इतना खुद से यानी सॉल्व करके देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर सिमिलर, इनमें से कौन से सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि एंगल तो सेम होना चाहिए लेकिन उनकी जो साइड की रेशियो है वो भी सेम हो। अब फर्स्ट पार्ट में देखें, ये 55 है तो ये 55 है, ये 55 की एक साइड पे 2 है और एक साइड पे 5 है, 55 की एक साइड पे 4 है और एक 10 है। ये 2 और 5 तो मजीद कटिंग नहीं हो सकती लेकिन 4 और 10 की हो सकती है, 4 टूज आर 2 टूज आर 4 एंड 2 फाइव आर, तो ये भी 2 और 5 हो गया, ये भी 2 और 5 है, ये भी 2 और 5 है, बीच में 55। तो फर्स्ट वाला सिमिलर है। सेकेंड वाले को देख लेते हैं, एक 70 है 70 है, 3 है और 5 है, 3 और 5 की रेशियो है इसमें, और इसमें 9 और 15, तो 3 की कटिंग कर लेते हैं 3 एंड ये 5, तो ये भी हमारे पास सिमिलर आ गया, ठीक है साइड्स भी। अब आ जाए इस पे आ रहा है 100 और 100, ठीक है, इस पे आ रहा है 4 और 1.5, इस पे आ रहा है 2 एंड 12, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं 2 1s are 2 एंड 2 6, तो 1 और 6 आ रहा है और यहाँ पे 1.5 और 4 आता है, तो ये वाला सिमिलर नहीं है। इसको देख लेते हैं, ये आ रहा है हमारे पास 2, ये राइट एंगल है दोनों ही, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, इनके हम देख लेते हैं, एक है 2 और एक है 3.5, एक है 4 एंड 7, इनकी कटिंग कर लेते हैं 2 से 2, 2s are 4 एंड 2 3.5, तो 2 एंड 3.5 है और 2 एंड 3.5 है, ये भी सिमिलर है, ठीक है। अब आ जाएं आप MCQs पे, ये सारा ही बुक वर्क है, आपको इसको कॉपी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। देख लें MCQs में क्या कहते हैं, विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर टू फिगर टू बी कांग्रेंट, कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, दे शुड बी ऑफ द सेम साइज, दे शुड बी ऑफ द सेम शेप एंड दे शुड बी स्क्वेयर, नहीं हमें ये दोनों तो लग रहे हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। अगर हम डी पार्ट को देखें तो कहते हैं ए एंड बी बोथ, तो ये वाला हमारा डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए भी होना चाहिए और ऑप्शन बी भी होना चाहिए। सेकेंड वाले में देखें, द गिवन फिगर आर सिमिलर इक्विलेटरल कांग्रेंट नन ऑफ द अबव, ये अब सिमिलर तो वो होगा कि हमारे पास एंगल सेम हो, तो एक एंगल ये है एक एंगल ये है, इन दोनों के दरमियान की साइड सेम है, तो एंगल और साइड दरमियान की सेम है, तो ये हमारे पास बन रही है, हमारे पास सिमिलर इसलिए नहीं पता चल रहा कि हमारे पास रेशो नहीं पता, तो कंग्रेंसी का इसलिए पता चल रहा है कि दोनों एंगल सेम है और दोनों एंगल के दरमियान वाली साइड सेम है, तो हमारे पास ये वाले जो ऑप्शन है सी दैट विल बी करेक्ट, कांग्रेंट है ये हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इन द गिवन ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल है, इफ टी आर और एफ डी, यानी कि ये वाली जो रेशियो है ये वाली और ये वाली इज इक्वल टू टी एस इसके और ई और एफ के, यानी ये रेशियो
और ये वाली रेशो सेम है. एंड एंगल आर, एंगल आर ये वाला और एंगल डी ये वाला सेम है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट, तो कौन सा वाला इनकोरेक्ट है. तो इनकोरेक्ट देख लेते हैं, हमारे पास एंगल एम, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल ई, ये ठीक है. और टी आर और एफ डी ये तो गिवन है, नहीं टी आर और एफ डी, और दूसरी साइड पे है आर एस, आर एस और ई डी, ये भी करेक्ट है. फिर है एंगल टी, एंगल टी और एंगल एफ, ये भी इक्वल है, ठीक है. फिर अगला वाला है एंगल एस, एंगल एस और एंगल एफ का है उन्होंने सेम है, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल एफ, ये वाला जो है ना इनकोरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे. विच कंडीशन शुड बी प्रेजेंट फॉर टू शेप टू बी सिमिलर, सिमिलर होने के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए. ऑल एंगल शुड बी इक्वल, नो. ऑल साइड शुड बी इक्वल, नो. ये नहीं सिर्फ ऑल एंगल्स नहीं होनी चाहिए, उसके साथ आगे भी होना चाहिए, ऑल साइड्स नहीं उसकी कंडीशन होनी चाहिए. ऑल एंगल इक्वल एंड ऑल साइड्स अनइक्वल, नहीं. ऑल एंगल्स इक्वल एंड साइड्स इन द सेम रेशो, ये वाली करेक्शन करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है. तो अगला देख लें हमारे पास क्या आ रहा है. विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ द कांग्रेंट ट्राइंगल इज इनकोरेक्ट, साइड एंगल साइड करेक्ट है, साइड 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 करेक्ट है, एंगल एंगल एंगल, ये वाले जो है ना हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल के लिए वो इनकोरेक्ट है, बाकी सारा हमारा करेक्ट है. ये था हमारे पास चैप्टर 15, और सारा बुक वर्क है इसलिए ज़्यादा आपको काम नहीं करना पड़ेगा कॉपी पे. प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, साइड एंगल साइड 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 साइड, एंगल एंगल एंगल, सिर्फ एंगल 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 एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी है जो आपके पास कांग्रेंसी के लिए यूज़ नहीं होती. ये देख लें हमने क्या किया आज, हमने ये किया है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 एंड देन और MCQs, ठीक है. ये हमारा आज का काम था, इसको अच्छे से कर लेना. बुक वर्क है सारा, बुक पे ही कर लेना. जो क्वेश्चन नहीं आता तो उसको एक दफ़ा फिर वीडियो देख लें ताकि अच्छे से समझ आ जाए. अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.